हेलो दोस्तों, ये है मारुति की स्विफ्ट। इसमें कोई स्टार्टिंग प्रॉब्लम है तो देखते हैं क्या इसमें स्टार्टिंग प्रॉब्लम है। तो जैसे ही मैं इसकी सेल्फ लगाता हूँ, ये गाड़ी सिर्फ क्रैंकिंग कर रही है, स्टार्ट नहीं हो रही है। और क्या इसमें प्रॉब्लम है और क्या उसका सॉल्यूशन होगा, तो इस वीडियो में देखेंगे आप। एक बार मैं वापस आपको दिखाता हूँ कि सेल्फ लेने पर ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही है। अभी ये देखो, स्विच हमने ऑन कर लिया है और ये हम सेल्फ ले रहे हैं तो ये गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही बिल्कुल भी। तो देखते हैं क्या सॉल्यूशन रहता है इसका। तो जैसे ही हम इसका स्विच ऑन करते हैं, हमें टिक टिक का नॉइज़ सुनाई देता है, जिससे कि पता चलता है कि इसमें इंजेक्टर में और इसके इग्निशन में सप्लाई आ रहा है। लेकिन फिर भी स्टार्टिंग से रिलेटेड सभी फ्यूज और वायरिंग कपलर्स हम चेक करेंगे। ये इसका मेन फ्यूज बॉक्स है जो बैटरी के पीछे की साइड है। तो इस फ्यूज बॉक्स के कवर को मैं बाहर निकालता हूँ। तो कौन सा फ्यूज किस चीज़ का है और कौन सी रिले किस चीज़ की है, उसके बारे में यहाँ इस कवर पे लिखा हुआ होता है, तो आप उस हिसाब से चेक कर सकते हैं। तो अभी हम इसको चेक करते हैं। ये इसका दूसरा फ्यूज बॉक्स है जो बैटरी और लेफ्ट की हेडलाइट के बीच में है। तो यहाँ के भी सभी फ्यूज मैंने चेक कर लिए, सभी सही हैं। तीसरा फ्यूज बॉक्स इसका होता है केबिन में, जो ड्राइवर साइड के नीचे की साइड जहाँ पैडल लगे होते हैं वहाँ पे होता है। तो यहाँ के भी सभी फ्यूज सही हैं। तो अब हम इसमें फ्यूल चेक करेंगे। तो यहाँ प्रेशर पंप के पास में से मेन पाइप निकाल कर यहाँ से हम इसका फ्यूल चेक कर रहे हैं। तो ये लगभग 1 लीटर होना चाहिए और प्रेशर भी इसका काफ़ी अच्छा है बस, और ये 1 लीटर होगा आराम से। 1 लीटर फ्यूल लगभग इसमें आना चाहिए एक बार स्विच ऑन करने पे। तो ये लगभग 1 लीटर है और थोड़ा सा कम है क्योंकि हमने बीच में इसको बंद कर दिया था। तो फ्यूल एकदम सही है और प्रेशर भी सही है। नॉर्मल स्विफ्ट में DRV का प्रॉब्लम ज़्यादा रहता है, तो उसके DRV के कपलर में हम सप्लाई चेक करेंगे। तो स्विच ऑन करने के साथ ही इसमें सप्लाई आ रही है। तो अब मैं इसके DRV वाल को खोलता हूँ एक बार, उसके बाद मैं चेक कर। तो ये इसके DRV को हमने खोल लिया है और दिखने में ऐसा कुछ खास प्रॉब्लम इसमें दिख रहा नहीं है, लेकिन हो सकता है ये अंदर से या बाहर से कहीं से ख़राब हो। ये दूसरा DRV मेरे पास XL का इंजन रखा हुआ है और इसके DRV को हम चेक कर लेते हैं। बिल्कुल चालू कंडीशन में है ये इंजन, तो DRV भी एकदम सही है। तो अभी इसको मैं खोल लेता हूँ और इसको लगा कर एक बार उसमें चेक करूँगा। ये खोल लिया है हमने इसका DRV, तो अभी हम चेक कर लेते हैं दोनों DRV को। तो ये इसका गाड़ी का DRV है और ये शेल गाड़ी है, उसके इंजन का DRV है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या है, जो इसका गाड़ी का DRV है उसमें एक ये होल दिख रहा है ना आपको, ये इसी का शायद इशू है जिसकी वजह से डीजल रेगुलेट नहीं हो रहा है। इसमें प्रेशर एकदम कम ज़्यादा हो रहा है जो बता नहीं रहा सही। तो यही प्रॉब्लम है शायद इस DRV की। और ये जो दूसरा DRV है ये बिल्कुल सही कंडीशन में है और अभी हम इसको गाड़ी में लगा कर देखेंगे। तो गाड़ी में हमने DRV को लगा दिया है। तो 2-3 बार स्विच ऑन करके गाड़ी को स्टार्ट करेंगे। स्टार्टिंग में 1-2 बार सेल्फ लंबा ले सकती है लेकिन बाद में स्टार्ट हो जाएगी। तो गाड़ी एकदम स्टार्ट है। तो अब हम इसमें नया DRV लगाएंगे, फिर चेक करेंगे।
ये है बोश का DRV प्रेशर रेगुलेटर वाल्व, जो अभी हम इस गाड़ी में नया लगाएंगे, और ये ओई भी आता है गाड़ी में। तो अब मैं इसमें ये जो नया DRV है, ये बिल्कुल नया DRV है, और इसको मैं गाड़ी में लगाता हूँ और फिर आपको गाड़ी स्टार्ट करके दिखाता हूँ। बिल्कुल अभी मैं इसको फिट कर लेता हूँ। देखिए आप देख रही हैं, गाड़ी अभी स्टार्ट हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब वापस से 2-3 बार स्विच ऑन ऑफ करेंगे और उसके बाद में स्टार्ट करूँगा मैं इसे। तो गाड़ी एकदम स्टार्ट है और कोई मिसिंग नहीं है, आराम से स्टार्ट है गाड़ी। एक बार वापस से बंद करके मैं आपको स्टार्ट करके दिखाता हूँ। गाड़ी एकदम स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है स्टार्टिंग में। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर कीजिए।